लेती है बिल्कुल छांट रही अंग्रेजी बिल्कुल। तो बना लेन दे खा लेन दे बाल बच्चे तो वहाँ तुम ना फालतू का मुंह चलाओ, हमें तो पता होगा तुम कितने चटा हो गए। ये तो नहीं चलाओ लेते जो कछु तो सा जो लगे सुता है। सुन मुई बात, वो कल को मठा धरो वो कह के लाना था ऐसी फेंक जाने तू कम से कम आदमन के हक के तो लग जाए जैसे कहा जा रोटी भात सेक ले वो भी मिल गया खा ले। तो कितनी दांत लग रही घाम इतनी तेज निकलो के का बता है। और जब सास है सुसास ऐसी घाम में पड़ी हुई है पंखा में बिल्कुल हवा ले रही हुई जो और इतना चाह हम भुन जाए थे घाम में। और हमें सोनी नींद नहीं आ और हम सुबह पंखा की हवा लेने जा रहे हैं चाजू हुए खुद पंखा में ऐसी सोसो आ रही हुई के का बता है। और बहुमन को हाल पता नहीं जाके कैसे हो कैसे नहीं एक ही हवा लो नहीं आ रही जा बिल्कुल इतनी गर्मी लग रही थी मोखा के का बता आज घाम भी इतना तेज निकलो के का कछु का हो ना घाम की भी नहीं सुबह से तो बिल्कुल नहीं निकलो तो ओ अब ऐसो नहीं कर आओ जब तक मैं सो लो बाई नींद आ जाता। ए नंदा हाँ अब नींद दी तो हदी थी की ना क्या देती कि जो पंखा चलाएगी। अब देखियो भाई तुम्हें पता नहीं है कितना तेज घाम लग रहा हो और हमने सोची तनक से बैठ लें इतने में का होगा तुम तो तनक में गुस्सा हो जाती। उतन नेचे तो या के बैठ गई बिल्कुल नींद में के लाना तो ऐसे मत सुलगाओ के काना बताएंगे। अब देखो सुबह से होगा जब से नींद आती नींद आती तो लोग अब जो घाम ने कहा तो क्या कहते कहा मन ने घाम में नींद नहीं है का ते नहीं घाम में अनोखी बहू आई बिल्कुल अब मां जमाने पे कछु होया हाथ हो तो ऐसे पंखा चला लो जैसे बाप ने दादा हो बिजली को बिल तो लो वहां से भाई बेके लाने हैं बाप अन लो तो ना जा भाई और हम सोते पहुंच जा तो मो ना चला। अबे अबे आए आए हम ठीक है ना अब जा अगर नींद ना हो तो रोटी वोटी बना ले भाई तो मान ले पानी भर लेके। ओ अबे रोटी नहीं बनी है भाई तुम का कहती है बैठी रही। हां मैं तो बिल्कुल सिंहासन पे बैठी रही मुझे कौन कछु काम हो रहा है तो मैं काम औरत भी नहीं है पाए भी खिला मैं कछु नहीं आता वो बात बंगा ने ताने मार बस सुन ले। हाँ मैंने तो ठेका ले लाई घर को काम काय भी खिलाने तुम्हारी तो पूजा करने तो तुम बैठी रहो महारानी सी भाई जानी के ये क्या पूजा कर ले लेकिन घर बैठे बैठे तनक सी रोटी तो छोप ही लेती। हाँ तो मैं फुलका दे तो बना कैसे दो दो पेड़ लग दो जा वहां मूड पे हो जात बिल्कुल ठाड़ी काम के लाने तो ऐसे मांस लुकाउ हराम को धा दो खावे के लाने दो तीन हाथन के पेड़ बेकी भैंस है ओ कछु नो अइया डायन कहूं की देख तो डंक नी सी बैठी कोला छंदर ये जे हमई सास है के नांगल सी रुको जब देखो जब डस भी बैठी है रात है का कई तुम्हारा कई अरे भाई मैंने कछु नी कही है जो कही के जा रही सो झाड़ू लगा ले रही हो पानी भाय ले सब कछु काय ले रही ते का जाना के मो सुनात नो अइया बहुत सुनात मो हां ठीक है ना तो की मताई कुछ नांगन सुन ले मो लगा अरे भाई तुमसे हमने कही ही नहीं है कह के ना कह रही हूं मताई लो ना जाओ ओके अभी ना दाई ना दाई जो जी पटा ले भाई हाउ खा तो ले पहले बुढ़िया इतना आज तो मिलो 850 को सुबह से चले गए थे अब ऐसे लेना मिलो जब से बाप की नोनिया उठे एजेंसी 11 बजे आओगे जब तुम्हें पता है कि 11 बजे खुला तो कहां सुबह से पवा आ गए थे और आ गए लेकर तो जा धा दो पे चलो। बैठ जाओ भाई अब का करने बैठ के पहले मुझे जो बता तुम्हारी मताई है का दिखा का दिखात का तुम जो बताओ मुखा तुम्हारी मताई बिल्कुल जब देखो जब ऐसी लगा रहे हमें काम में तो घर को काम सबका करने आओ कैसे घर को काम सबका करने आओ गांव भाई की बंगे कहती सबको क्या घर को काम दो वो तो पता के गांव भाई की बंगे कहती लेकिन गांव भाई की सास भी काम का वाली थी तनक तनक सुबह से उठ के बेपरी में तो पलका पे जब से धरी ऐसी का बता लेकिन ना उनने एक सही झाड़ू की सीख ना की ना नहीं धरी ना रोटी ना पानी कछु नहीं कहते बैठे बैठे रोटी थोप लेती गैस नहीं है तू तो सो चलो मैं काट देखो मुझे सवेरे चली गई थी नींद में के लाने अभी अभी आई जब से बस आके मैंने झाड़ू बस लगाई और इतने में तुम आ गए अच्छा
तनक से बैठ गए थे पंखा की हवा में, खा खा धोरी बिल्कुल ऐसी के का बता कत्ती के का कहते जा नींद नींद न नहीं सो काम कर ले गा को भाई की तो आदत ही है तो का कहे बता हम कैसी आदत है कब तक सुन भी हम जाए आदत जब से ब्याह भा चे 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 यानी उन्हें राज गद्दी चाहना होने और बस बंगा भर लगी ना मैं आज तो हमें कल पर दूसरी आज पर बाकी से रहे अब बात तो कह आने है तो कौन तो तुम्हें सोका तुम काम कर लो हम समझा रहे ठीक है। हाँ ठीक है समझा लीजिए बस मैं कछु नहीं जाना था ये काफी उस गम खाता है का कहे तो बुरे आदमी है गम में तो खाता रहा अब तक गम समझा दे हाँ समझा दे रहा जा तो रहा अब देखो का कैसे हो रहा भाई ओ भाई जी अरे सुन तो पहले कहा रे कहा रे बहू से कहा दे रहे कहा क्या रह गया मैंने हैं बालगी तो बैठ के रो भी हाँ रो में लगी से कौन दूर डाएं दे बिल्कुल रो बे ये लगी सादले से चलो जाओ यहां ये तो तेरा जो मुंह से लेना है का कह हाथ तेरा लगा टाओ 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 सब ऐसा वो साम लो साले सो दे लपाटा के धाती चढ़ जाए बेको लुगाई की पे चले लगो अब हैं सिखादा हुई है उन्हें मेरे सिखा दो है कोई ना भादा हुई है तो हां से मां से भरो आ चलो आ जा अरे भाई नहीं तो हम सास जा का कितना गम खा जाए का काम मंद की ना कर जे हैं महारानी अब बिल्कुल पलक अब छा दो सो आराम कहन लगबे तो भाई बस सवेरे से लगी रही खेत में नींद भी यहाँ काट भी यहाँ और बताओ झाड़ा बटोई कर रही वो यहाँ रोटी बनाने घर को काम कर मैंने लगी है तो मैंने करो ना हुज्जे का तो हल्को फुल्को हाथ कनक संग लगा दिए गए हाँ मुई हिद्दा ही लगा ले मुए का से जवानी चढ़ी ना तो मैं कह ले पूरा बा बैठी रे रोजा भाई ते दद्दा हम बुला रहा हूँ दद्दा हम बुला दे तो दद्दा का कर ले को दद्दा बता के का कर ले बहुत सियाना मन लगो घर को है साई हमें ऐसा देवी के बिल्कुल एक मिनट लग जे हाँ थे यहाँ का बिल्कुल लोग आई ना भाई दासे थे यहाँ का मुझे खावे के लाने लोग यहाँ दो दद्दा अरे दद्दा है हाँ तुम भाई यहाँ क्या नहीं समझाओ कहाँ होगा कहाँ होगा हाँ बब बहू का खाए ले हाँ और मैंने तेरा कई सुबह मोहू का की वहाँ से खास सी तो कहा तेरे कछु कहीं नहीं है कछु क्या पाऊँ हम उसे रोजा हम जाई जाए सानी बना दे बच गया है सानी दद्दा हम बना दे हाँ तो हम तुम समझा दो बताओ बाल बच्चों चाहे को हो रोजा मैं देखा कैसी बाई जाए बबल को पूरे दिन टाँगो 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 ना कछु करने ना कछु हम देख आई थे देख जाई थे देखो का तो हिसाब से देखो तो हाँ तो हम हिसाब से देख लाई कई थे हम देख ले खा ले ले खा ले अब बंद गई सानी बिना आटा की नहीं खा सका चून पहले चाने ने आज हम देखा आज अगर हमने खा लटो दई तो हम कह के कहे तो दिखात कैसा है पहले मुझे बता दे का कैसा हुआ दिखात बताइए खा ले सो हाँ मैं तो आज मैंने यहाँ खाद फेंक रही बिल्कुल तुमने फालतू का मुँह चला गयो ना तो हम तुम्हें अच्छा सुधा दे भाई हाँ मैं पनवेसी जा का सो खात नहीं है ना मुँह चलाऊता हूँ वो बहुआ उलाय कहाँ था रंग से रांधे बाल बच्चे यहाँ वे मैं कौन हूँ बस सींगा गप रही बिल्कुल के ला रहे राना हो तो ढंग से रावे मैं तो कड़ जावे अब दिन भर तो नींद रही अभी भी इतना पड़ रहा हूँ आराम कर लो उन्हें तो कहा बताएगा उनको हाँ बात बूढ़ी छेड़ी क्या आराम कर रहे के लाने तुम ज्यादा बहू की पिचताई ना लो ना तो हमने तुम्हें ढंग को तो सुधारा मैं नहीं ले पनवेसी तुम फालतू को मोड़ दो चुपचाप बैठे रहो ले बैठे है ऐसे सजे बिल्कुल जैसे बारात में जाने हुए जानिए के घर में रात तो फटे थे और ना पहन ले मैं कम बूढ़ा होगा अबे हाँ तुम तो 16 साल के हो अबे का बना लो मैं आज अब मैं कछु बना ले सुआ फत और नहीं बना सुआ फत इसे साथ जो मैं एक काम कर रही मैं भाई जी से पूछ ला रही चिल्ला दे तो चिल्ला दे है कि का बनाने का नहीं बनाने यार जो लट तो ऐसे लेके आ गए थे खाना बताइए भाई मैं जो कहती के का बना लो हाड़ बना ले मोए ये तो तू हाँ नहीं आट के का बनाऊने का नहीं बनाऊने भाई तुमसे पूछे तो दिक्कत और ना पूछे तो दिक्कत जब ते हमसे ना पूछे तो कौन मताई से पूछ भेजे जो बताइए पहले भाई मैं जो कहती के आलू टमाटर बना लो के पनीर मंगवा लो वो मताई हरो मटर पनीर खाने तो बाप के ते बनू है जो नहीं ते ये बिल्कुल छाट रही अंग्रेजी बिल्कुल तो बना लेन दे खा लेन दे बाल बच्चे तो वहाँ है तुम ना फालतू को मुँह चलाओ हमें तो पता होगा तुम कितने चटा हो गए इतना नहीं चलाओ लेते जो कछु तो सा जो लगे सुन मुई बात वो कल को मठा धरो वो कह के लाने धो ऐसी फेंक जाने
तू कम से कम आदमन के हक के तो लग जाए से तो का रोटी भाई सेक ले ओमे मिल के खा ले भाई से काल को मटा पास नहीं होगा वा अरे ला उपास होगा अच्छा खट्टा होगा हुजे खावे में भी स्वाद आ है जा हां ठीक है रोटी सेक ले रही सु है आओ मटा पनीर खाने देख तो गुज्जा खा मुझे समझ में ही नहीं आता जब सास आए कि कुआ है मतलब पूछो पूछ बेगा से यदि खांसी गिर रही है और मठा मठा तीन दिन से खा रही काल भी खाओ पैसों भी खाओ और आज भी कह रही कि आज भी खाना है मोरो तो दिमाग इतना तो खराब है घर में क्या बताएं आज का बन रहे अच्छा अच्छा सो बन रहा होगा हाँ मालपुआ बन रहे अरे का बात कही भाई कैसे दयाल हो गई तुम्हारी मता ही ऐसी है क्या बता मैं कह रही कि तीन दिन का मठा रखो वही खा लू है मठा ओका काल मठा खाओ तो परो मठा खाओ तो बब्बा मठा खाओ सुखा खाई जी तुम्हें मताई के लच्छा ना बहुत साजी जब देखो जब बिल्कुल मठा ही मठा तू मठा ना हो तो सुखा खावा दी पानी में घोल घोल के चीनी खावा दी ओका खावा दी भाई के माना तो सुख से खा पाऊ ना रह पाऊ ना पे पाऊ जो कछु तो बना पाके तब क्यों घूम भी कर जाऊँ क्या मैं भाई सब पैसे सब मंगा थे दो चार दिन हाँ कर जाऊँ घूम भी हाँ हाँ हम लोग खपाई जा बब्बा छोड़ा है मठा हट्टा तो नहीं लगा सही है अब का कह तब यसो है सो ये कहीं चाह रहा थे दिन बाद खमा भाई ये कहीं दिए खा था के मिला था हाँ का कह बहू के लक्षण ही ऐसे हैं दद्दा ए हाँ बेटा हाँ बेटा अरे नींद का कहा मैं जाए घाम में अरे का कह बेटा नींद ने तो आई जो पानी है सो जो नहीं बस रहो दवाई लिया भी सो दवाई डा दे भी जो नींद हुआ मैंने आओ मैंने कही थी बाई से पैसा मंगा लो सो ते का टंकी दवाई आज सोई में काम हो जाने भज्जा बाई खांसी दो यार पैसा ने की कहा सो ये तुम तो नहीं समझाओ ना ठांस आता होगा कहा लो समझा जी हम काट के कहे हम आए बताती अवस्था बड़ा बीबी यहाँ तमाशा देखे आदमी चलो तो भाई चलो बन गाओ कल बन गाओ हाँ बन गाओ चलो चले तो हाँ चलो चल तो चलो और चलो बेटा चलो तो भारी घामो करो भोगा नहीं है या दद्दा है बेटा पंखा तो चला पंखा पंखा ओ दद्दा पंखा की ना का ये तो चला तो अरे भाई अगर पंखा को ये रोई सुन ले ना हां खा ये बात हुई ना अरे बा खा ले जोलो नहीं आई जोलो चला ले दद्दा ना रो कावा अबे फेकल गल बिर जाने एरी तो मैं जात गाय में इतना भड़का पाओ के प्राण कर रहा है बेटा चला ले तेरा सो कछु से भाई तो पंखा में रात दिन सुसवाद हमारे तुम्हारा ने भाई बंदा है वो अगर पंखा की हवा लेने हुए ना हम बताएगा कल बता बेटा बता हम बताएं हाँ बता बहू घर टेले आए हाँ कल ये बात तो बनेगा हाँ, बनेगा हुज्जे भाई दुआ में नीम के तय बैठा सो बहू से कह दे के ते देखे भाई जो सास हो कही तेने चलो अपन पंखा की हवा ले बिल्कुल सही कही है सही कहा अब और फिर जाने तुम्हें हाँ सो तुम्हें देखने का भाई तो नहीं आउता सो तुम्हारी बहू को हम हवा ले ऐसी कर ले बेटा ठीक है बोला तो लिया वो ताऊ तुम हवा लेते रहे ये सही कहा तो और जैसे ही बाग आउट देखे सो कूका मंगा दे रहे सो तो अपन पंखा सही कही तेने ठीक है टिल्लिया तो टिल्लिया टिल्लिया जा तो जल्दी तो जा भोगाई में लगी गई मैं रोटी बना तो बना इतनी गाय मी हती थी कि का बता मैं इतना के नीम के ताए बैठ जाऊं कितने गाय मी भगवान हवा लानी चल रही लगे आंदी ए सुनो एक बात बता तुम्हें कैसी बात बताओ पंखा की हवा लेने अब माँ भाई की माँ कहाँ ले पाऊ थे अंकल आ गई हूँ कैसी और दद्दा अपने संगे सपोर्ट में है अच्छा हाँ भगवान साहब फिर तो सही है भाई बैठी उबक ही में ठीक है हवा पे होते बैठी माँ तो तुम्हें इतने दिखे ना ने वो भाई माँ से कने को सोम पंखा बंद कर जा सही कही तुमने लेकिन सुनो पाँच पाँच मिनट तक सब जने ले हैं हवा सही है पाँच मिनट लो हम हवा ले सो फिर आज अभी हम फिर आ है दद्दा हाँ। फिर अपन दो जने हवा ले ठीक है हाँ। अच्छे से देखियो भाई तुम्हें अब दिखा दू इसे और तो कुका माँ हम इतने बैठे
और जैसे भाई यहाँ से हम कू बोल भी और तुम्हें तुरंत होते आ जाना तो पंखा पंखा ही बंद कर देना नहीं तो भाई खा जाए तुम्हें हमें उधर कहां अब तो अपन अपनो राज चलाओ ने तो भाई की चोरी से अपन तुनिया संगे रहा हां ठीक है देख रहा था हां हां दद्दा हां अब खुशी की बात काहे बता दबे अब हंस ले है और पंखा भी हवा ले ली चला तो बेटा चला चला दे चला 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 आ रहा बहु लगी पानी पे है वो बहु कत्ती के अगर नंगा से भाई आई बिल्कुल समझा दो तो अच्छी ईमानदारी से बेटा देखिए हाँ बेटा चला 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 चल गाओ अरे चल गाओ बेटा चल गाओ आजा 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 चल गाओ आजा आजा तू ही भाई की चल यार बड़ा जूना लगो रे भाई के मां को चला मौक दे धमका में मर जात तो बेटा मैं नींदत घाम बहुत तेज पड़ रहा बेटा अरे मैं जात दादा है सीधी भाई पंखा में पाई हुई पंखा में कहां से पाई हुई ऊ भाई बकरी में पाई वा नीम के तय बाप खुद नहीं हवा ली उन्हें लेन दे बस अपन तो दिखा पाँच मिनट में बहू पाँच मिनट में हम पाँच मिनट में तुम ठीक है अब पाँच मिनट अपन को हूं चाह रहा बेटा मजा आगा बेटा मजा आगा ये काम का है देखे अजी भाई यहाँ अब तुम्हारा नाम भाई है हाँ तो हम जाए हाँ तुम चले जाओ हाँ। तो बहू का पहुँचा जो अब मैं पहुँचाऊ हाँ। तो मैं लेन देते हैं दादा मजा आगो नहीं मजा आगा जुड़ागा मैं जा था बेटा तो हाँ दादा हाँ। मैं जा था हाँ। हाँ। पहुँचाऊ हाँ। जब से पंखा ले वो आज मिली रे हवा बेटा जा 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 हवा लिया लिया जल नहीं दादा तुम जल्दी बता रहे हो ठीक है हम बेटा हाँ ठीक है जा जल्दी जा जा पर इन्होंने लगो यही हवा में तो उधर देखने आए न जा कि उनसे पन बेसी तो खाल ची धारे पटाके बा देखो हमें भगवान वो इतनी टाइम से हवा ले लगे वो लेन तो बहुत बड़ी मुश्किल से मिली है अब तो अपन को है राज अब नहीं होने भाई दद्दा बैठे हैं होते अगर भाई भी आए तो चिल्ला दे है वैसे भी पता लग गया है अपन है तो इसे आराम से हवा ले लो बस नहीं तो डाइन के माए हवाला नहीं ले पालता अगर आज भाई नहीं आए ना तो पंखा पूरा दिन चलने आज पूरे दिन जब तक भी लाइट रहे जब तक पूरा बंद ही नहीं होने यहाँ मजा आओ राम जी जी भाई जोड़ागा राम देने से गर्मी में मरे जाते अरे यहीं पे हाई जा बैठे बे भगा है वहाँ जाओ के नेच जब तक जाई थे तुम्हारी भाई इतनी कुलच्छन है इतनी कुलच्छन वहाँ डायन बिल्कुल नांग है ना धरी है तो पंखा किसे पोछ के चलाओ है भाई हम उन्हें नहीं चलाओ अकेला चलाओ तो बाप ने लगवा तो जब पंखा मैंने ला तो ठीक है भाई ये लाइट आई सो अपनी आप मन ना लगो सुन में हमने की हवाई ले ली हवाई चल रही थी सो घूम रहा है हाँ ऐसे ही तो घूमत अगर अगर बिजली को बिल है ना तो हम ये खा ले कच्चो तो भाई बिल तो है मैं नहीं आऊ तू सेना मो चला 50 रुपया आउ था महीना अब देखो दी महीना में कितना भाई जी जे पेड़े की हवा आई ना उ में मन ना आऊ हाउ से पेड़े की हवा में जाके बैठ तू ना ई के नीचे काई बैठो जा तो ने कोई अबे ने को तो आ जा जा जल्दी उड़ जा जल्दी उड़ जा जल्दी भाई के मैं 5 मिनट नहीं हवा ले भाई और दद्दर ना कुकर लगाओ के लगाओ ही नहीं है लो भाई ठीक है बंद कर दो तो मन से लगाइए बैठ गए तखत पे इतनी ज्यादा तो सब बाप से कह देती कि पलंग दे दे तो मखमल के गद्दा पे बैठती थे भाई देखो बाप अनला तो जाना करो और देख हमें तो से वैसे भी मोला को जरूरी नहीं है ठीक है ना इतनी आके हम तखत पे नहीं हमने यहां बजो बनवाओ तू सो भाई तो हमारा कछु बनता है का हाउ का नहीं आनता है अपने ससुर से कह तू सोच हम गद्दा बनवा दे तो गद्दा दाव नहीं है वो घर में नहीं दो गद्दा सोई कोठा में जाओ ते मरो तो भाई उसे इतनी दांत लगा क्या कहा बताए मैं याद है हाँ उस बिजली को बिल आए तो तुम्हारा बाप भरे का तो जाना ना कोई कि मतलब सो या सो दे ना पटा के बिल्कुल सो भाई बिल दद याद भाई भी हाँ है महीने तेन हो याद सो बिल भाई भी पैसा को दे हम अन्य दे दे ठीक है वैसे भी भाई हमारे कमरा का तो बिल आउत नहीं है कह की ना तो मैं बल्ब लगू और ना उमे एक पंखा लगे सो अच्छा ही तो है कम से कम पैसा तो बच रहा और वैसे भी तो बन नहीं है हवा ले बिल ठीक है उधर उधर क्या कमी है भाई बहू में तेना ज्यादा का ठीक है ना तो वहाँ लगाई बिस की सुंदरी से धल्ले जेब में जैसे हीरा सी तो लगा से रामी के हाथ में उधर काट के बैठ गा ते यहां का पड़ा सो पसा जाते ही पे लोग यहां दो
भगया भगया ओ जा के उधर दहा बोला रे हल्की बहू हां लवावे जाना सु मैं तना कह दूं सो भाई बा हल्की बहू आ जा सब ऐसे ना काई को चंगा चंगा तो हमाला ना हमें ना सिखवा का हमें का कन्ने कानी कन्ने ठीक है हमारी हल्की बहू तो है बिल्कुल हीरा हीरा अगर तुम ऐसे आज तक कन्ने सो बा खजोगे मारने उगे बा ना मारे तो लुगाई घाई नहीं आऊ के गोने ऐसी डंकी नहीं हां पतो लगे हो जा दद्दा हां कदद्दा हां बेटा तुमने कूका का नहीं लगाओ आ बेटा इतने कूका लगा के उनेला तो सुन ला देवे कूका मुंह ऊपर चढ़ बैठी थी बाके जब कहा भाई कैसी भगाओ ओते जाके उन्हें पता धजरी सी फाड़ी में लखल अब बेटा मैं का कहूं मैं तो चिल्लियानो इतना चिल्लियानो के गाओ फटगो मुंह लिखो उन्हें सुन ला तो मन नहीं सुनी कहां से उठाए तुम अच्छी लगी हवा सोई में हो गए हम मस्त बिल्कुल और जो कह दद्दा भाई बुलाई जा थो मैं अब जाने का हां बुलाओ के वहां हमारी धजियां सी फानने के का करने हम जात हैं अब देखो सुनाई थे उकी का आओ दद्दा चले जाओ तो हम जाई थे अब जैसे जैसे देख भी तुम आए लोनिया ढंग सा आज ननता बेगी तो तुम लठा मैंने तुमसे पहले कही थी कहीं भाई को मुंह बंद करवा दे काई ये काम नहीं किया था साथ के पर रास उठ खबी कुल चक्का दे ऊपर है भी खोल गए मैं तो गात के पर रानस तक जैसे मोई दबा देवे हां हां ऐसे नहीं करने खबी कुल धागन यार रात ठीक है हां फिर बिल्कुल मुंह बस चाहे तो मैं तो तक जा दबा दो घर ऊपर करने पड़ जाए है काय हां बुलाओ मैं किला ना बुलाओ तो के जा कहीं अब फालतू बैठे होई हो कछु काम तो है नहीं हां हां चले जा मां आए होते बहू हलो वाले आओ देख मुंह तो जाना ना कहो काय तो बड़ी बहू की गते सी कर रही हूं हलवा के लिया सु तमाशा दिखाइए मैं नहीं जा रहा हां मैं तो बिल्कुल मान से खाते फिर रही तो मैं सो कहो लवा लिया सीधे मन से ठीक है देख मुंह तो जाना नहीं है मैं उलाए के पहुंचा दे ना मुझे तमाशे कावाने आई तब मुंह खे होते तो खाता ही है बंगन तुम फालतू को ज्यादा बोलन लगे हमें लगा ऊके बा मताई काटते काटते ऐसी सास तो नहीं मिलने चाहे गांव में जैसी मैं हूं ठीक है ना हां ऊके साथियां बाप मताई तू ढंग ना देखी हुई है अबे उन्हें फालतू तुम ज्यादा ही बोलन लगे अब हमें लगा कि तुम्हें ही घर में रहने के नहीं रहने पनबेसी में जात हो तो लाए के पहुंचाऊ मैं नहीं जात जा पहुंचाया तू काम आवे के लाना तो बिल्कुल ऐसे वैसे थे सीटी को मान लगो तना बाल मकान ओ बाल मकान आ तो बेटा इतने तो बात ना आओ दद्दा आ रहा है आ दद्दा एक काम करो बेटा जो कहीं ठीक है तुम चले जाओ संध्या ने तो बहू हल वाले आओ ते तुम्हारी ना चली जाते सियाने के नहीं मोर काम है 17-18 है बेटा और मैं थकू धाव बैठू हूँ मैं निराई होने मुंह फलन की दवाई डनने इसे हम काटते के तुम्हें चले जाओ बाई काटती तो यहाँ पहुँचा दो तो तुम्हें चले जाओ निराई तो हम कावाले भी लेकिन तुम चले जाते सियाने के नहीं अच्छा नहीं लगन लगन कहा है बेटा तुम आओ नालायक आओ तुम्हें जाओ हम पे नहीं बना जो अब आगो जाओ तुम्हें जाओ सो कर ले अपनी ठीक है तो हम जाई थे हाँ बेटा जाओ तो जाओ ले आओ अच्छे से जाइयो आओ दद्दा आओ।